बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आप देखिए एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर बुलडोजर एक्शन पर किस तरह से यहां पर पूरी तरह से इस मामले को पढ़ा जा रहा है। लेकिन उस बीच में एक और बड़ी अपडेट, झारखंड चुनाव के बीच में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट यहां निर्देश देता नजर आया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर आप देखिए 13 नवम्बर आज का दिन, लापरवाह अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई हो सकती है। किसी का घर उसकी आखिरी सुरक्षा होती है और किसी का घर इस तरह से नहीं तोड़ा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश यहां पर आप देखिए किस तरह से सामने आए हैं। जस्टिस बी आर गवई ने साफ तौर पर यह कहा कि एक आदमी हमेशा सपना देखता है कि उसका आशियाना कभी ना छीना जाए, और हर एक सपना होता है, हर एक व्यक्ति का ये सपना होता है कि घर पर उसके छत हो, यानी कि उसके सर पर एक छत हो। और क्या अधिकारी ऐसे आदमी की छत ले सकते हैं जो किसी अपराध में आरोपी हो? तो हमारे सामने सवाल कई तरह के रखे गए थे, कोई आरोपी हो या फिर दोषी हो, क्या उसका घर बिना तय प्रक्रिया का पालन किए बिना गिराया जा सकता है? हमने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में न्याय के मुद्दे पर विचार किया है, और ये भी किसी भी आरोपी पर पहले से फैसला नहीं किया जा सकता। किसी का घर उसकी आखिरी, यहाँ पर आप देखिए किस तरह से उम्मीद होता है। बुलडोजर एक्शन पर एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सत्ता के दुरुपयोग का पूरी तरह से आप देखिए इस्तेमाल जिस तरह से हुआ रहा है उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके साथ साथ देखिए 1 अक्टूबर की जो सुनवाई हुई थी उसके बाद किस तरह से अब आज ये बड़ी सुनवाई हुई है और इस पर बड़ी बातें निकलकर सामने आई है। 1 अक्टूबर की सुनवाई जिस तरह से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से की गई थी, उसमें कहा गया था कि मैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश की ओर से ये पेश हुआ हूं, और लेकिन बेंच ने ये कहा कि गाइडलाइन पूरे देश के लिए होनी चाहिए, होगी, और इसलिए मेरा सुझाव ये है कि बहुत सारी चीजों पर ध्यान दिया गया है। अगर कोई आदमी किसी अपराध में दोषी है तो बुलडोजर एक्शन का आधार बिल्कुल भी नहीं है। तो जस्टिस गवई की तरफ से आप देखिए किस तरह से अपनी बात को रखा गया था। उन्होंने कहा कि अगर वो दोषी है तो क्या ये बुलडोजर एक्शन का आधार हो सकता है? उसी का जवाब यहाँ पर दिया गया था कि ये बिल्कुल भी आधार नहीं हो सकता है और नोटिस इश्यू किया जाना चाहिए सबसे पहले, और ज्यादातर म्युनिसिपल कानूनों में केस के हिसाब से नोटिस जारी करने की व्यवस्था होती है। बड़ी खबर, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सत्ता का दुरुपयोग आप नहीं कर सकते, एक व्यक्ति का छत उससे नहीं छीन सकते हैं, क्योंकि अगर वो आरोपी है तो और भी कई तरह के कानूनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फिलहाल जिस तरह से बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और जस्टिस गवई ये कह रहे हैं कि शक्तियों के गलत इस्तेमाल को मंजूरी नहीं दे सकते हैं, ऐसा हुआ तो अराजकता यहां पर फैल सकती है। और साथ ही साथ बुलडोजर एक्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज यहां पर सुनवाई की है और मामला सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वी आर गवई और जस्टिस विश्वनाथन की बेंच के पास है, और बेंच ने 1 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था, और यहां पर तब बेंच ने साफ किया था कि फैसला आने तक देश भर में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई जाएगी, और फिलहाल अभी तक आप देखिए किस तरह से इस पर रोक जारी रहेगी। जस्टिस गवई ने कहा कि संविधान और लोकतंत्र को बरकरार रखने के लिए किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना जरूरी है। किसी व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि गलत तरीके से उसकी संपत्ति को नहीं लिया जा सकता है। तो आपको यह भी बताना जरूरी है कि यह तय किया गया कि शक्तियों के गलत इस्तेमाल को मंजूरी बिल्कुल नहीं दी जा सकती है। जस्टिस गवई की तरफ से ये बात कही गई, जब कोई नागरिक कानून तोड़ता है तो हम सरकार से कहते हैं कि कानून व्यवस्था बनाएं और जनता को कानून तोड़ने से रोकें, और अगर ऐसा करने में विफल होने पर जनता का भरोसा टूट सकता है तो अराजकता का रास्ता भी खुल सकता है। तो बिल्कुल भी कानून ना टूटे, कानून ग्राउंड जीरो तक पहुंचे, उस पर काम करना जरूरी है। लेकिन साथ ही साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें रखी थी कि पिछली सुनवाई में उन्होंने कहा था कि बुलडोजर एक्शन के दौरान आरोप ये लग रहे हैं कि समुदाय विशेष को निशाना बनाया जा रहा है, और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां आप देखिए किस तरह से धर्म निरपेक्ष देश है और गाइडलाइंस बनाई जाएंगी और सबको एक नजर से देखा जाएगा। चलिए इस वक्त पैनल हमारे साथ रेडी है, हमारे संवाददाता ताबिश कमाल ने हमारे साथ ज्वाइन किया है दिल्ली से, बहुत बहुत स्वागत। हमारे संवाददाता यूपी से रजा अब्बास ने हमारे साथ ज्वाइन किया है, आपका भी स्वागत। अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ प्रमोद कुमार जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत प्रमोद जी, आपका भी जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं प्रमोद जी आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि पूरी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही चल रही है, कई तरह की दलीलें दी गई थी लेकिन आज फैसला सुनाया गया है।
मना कर दिया करिए ना पहले जी फोन ना करना। जवाब दीजिए प्रमोद जी, किस तरह से ये फैसला जी करा जी है, आज क्योंकि देखिए कई तरह के ऑनरेबल आरोप थे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो बी आर गवई साहब एम के वी विश्वनाथन साहब ने इसके पहले भी जो जजमेंट दिए थे जो 1 अक्टूबर का था जैसा आप बता रहे थे, और आज जो एक निश्चित रूप से एक बहुत ही ये जो है जनता के राहत पहुंचाने वाली ये ऑर्डर हुआ है, और इसमें बिल्कुल ये खास जो निर्देश दिया गया है सारी सरकारों को कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ चलेगी, कोई भी जो है रूल ऑफ गवर्नमेंट नहीं होगा। आप ऐसा नहीं है कि जो लॉ के दिशा निर्देश के हिसाब से ही आप कोई कार्य कर सकते हैं, जो डिमोलिशन का जो प्रक्रिया है वो भी कानून के हिसाब से होगा। इसके लिए उन्होंने एक गाइडलाइन भी बनाया है जो पैन इंडिया का है, जिसमें कि कई मुद्दों को उन्होंने दिखाया है कि यहाँ पे सबसे पहला उन्होंने कहा कि जो भी डिमोलिशन होगा वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से होगा। दूसरा उन्होंने कहा कि यदि किसी तरह का कोई ऑर्डर गलत होता है तो उसके लिए कंपनसेशन दिया जाएगा जो विक्टिम है जिनको जिनके साथ तोड़फोड़ किया गया है। चौथा जो है उसमें दिया गया है कि यदि कोई ऑफिशियल इसमें इन्वॉल्व है इलीगल में भी तो जिस तरह से एक मुजरिम के साथ व्यवहार किया जा सकता है उसी तरह से जो ऑफिशियल है या डिमोलिशन में है और गलत डिमोलिशन किए हैं तो उनके ऊपर में भी एक इंक्वायरी चलेगी और उसकी तरह से लॉ के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। जो गाइडलाइन में एक जो बताया गया कि किस तरह का डिमोलिशन आप कर सकते हैं, ये नहीं है कि आप डिमोलिशन गवर्नमेंट कर ही नहीं सकती है, लेकिन डिमोलिशन करने के लिए ये दिया गया है कि जैसे रेलवे का कोई प्रॉपर्टी है, रेलवे में कोई कब्जा कर रखा है या फुटपाथ पर कोई कब्जा कर रखा है या कोई जो है पानी का जो है सप्लाई में कोई बाधा दे रहा है या पब्लिक रोड पे जो है कोई ऑब्स्टेकल कर रहा है या कोई एमसीडी जहां पर ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है वहां पे आप अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में आपको एक लीगल नोटिस देना होगा पहले डिमोलिशन के पहले उसको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करना होगा, उसको आप नोटिस दीजिए, और नोटिस देने के बाद यदि आप सेटिस्फाइड नहीं है उसके जवाब से तब वो डिमोलिशन यानी कि बुलडोजर एक्शन को पूरी तो तरह, तरह से खत्म नहीं किया गया है, गाइडलाइंस उतारी गई है और कानून के तहत ही कार्रवाई हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रजा, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार इस पर सियासत गरमाई थी और ये कहा गया था कि सिर्फ एक समुदाय विशेष को मद्देनजर रखते हुए ये कार्रवाई की गई है, लेकिन उस पर भी जवाब दिया गया है। मैं हिंद ने बाकायदा ये कहा है कि विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि किसी भी अपराधी से ताल्लुक अगर है तो उसके पूरे घर के लोगों को दोषी नहीं बनाया जा सकता, बड़ी मुश्किलों से कोई आशियाना बनाता है और इस तरह से किसी घर को जो है बुलडोज नहीं किया जा सकता है। अब जाहिर सी बात है कि प्राधिकरण की जो मानक है या जो रोड मैप है, घर का नक्शा जो पास होता है या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स या बनता है, तो मानक के विपरीत अगर कोई काम होता तो उस वक्त जो विभाग है प्राधिकरण का उसको इस अवैध निर्माण को रोकना चाहिए था। बन चुका है 10-20-30 साल से कोई रह रहा है, एकाएक उसका कोई अपराध जो है वो सामने आता है या अपराध नहीं होता है, कहीं ना कहीं संलिप्तता नजर आती है या विवेचना के माध्यम से उसको सामने आ जाता है, तो बिफोर कोर्ट ने यह कहा है कि कोर्ट के फैसले पे यानी सरकार जो है खुद फैसला ना ले, मानक के रोड मैप को तय करके। यहाँ पे दो चीज है कि यहाँ ये ना समझा जाए किसी अवैध निर्माण को बुलडोज नहीं किया जा सकता है, बुलडोज किया जा सकता है, मानक के साथ किया जाता है, क्योंकि हर विभाग की एक ट्रिब्यूनल कोर्ट होती है वो आदेश देती है ध्वस्तीकरण के। अब सरकारी जितने भी विभाग हैं या इस तरह की जो घटनाएं हो जाती है, कहीं दंगा हो जाता है, अगर किसी की संलिप्तता नजर आती है और वो अपराधी उसका दोष सिद्ध होता है तो सरकार क्या करती है, नोटिस के बगैर त्वरित कार्रवाई करते हुए 2-3 दिन के अंदर से घर को बुलडोज किया जाता है, बल्कि अगर वो अपराधी है तो उसके पूरे घर को कैसे अपराधी मान के उसके घर को बुलडोज। इस चीज को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि न्यायालय का ये साफ तौर पर डायरेक्शन है कि मानक या डायरेक्शन के तहत किसी को बुलडोज किया जा सकता है। आवाज आ रही रजा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अंदर ये सबसे बड़ा मुद्दा बना था जहां पर समुदाय विशेष को लेकर बात की गई थी, और ये जवाब भी दिया गया था कि भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और कानून के दायरे में होना चाहिए। ताबिश,
जिस तरह से कहा गया है कि अपनी शक्तियों का गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, अगर किया जाता है तो फिर अराजकता फैल सकती है, उस पर भी कार्रवाई की गई। यहाँ पर एक बहुत अहम चीज ये है कि यहाँ पर अनुच्छेद 21 का भी जिक्र किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मकान बनाना, मकान में रहना, ये हर नागरिक के अपना उसका अधिकार होता है और ऐसे में आप किसी का अधिकार नहीं छीन सकते हैं। दो तीन इसमें अहम बातें हैं इसको लेकर के। देखिए, हमेशा हमने राजनीति गरमाई देखी, अखिलेश यादव लगातार, चूंकि ज्यादा मामला जो गरमाया था वो उत्तर प्रदेश से गरमाया था, जब 22 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें खासतौर से उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, बरेली और प्रयागराज में जो बुलडोजर एक्शन हुआ था उसको लेकर के ये याचिका बहुत अहम मानी गई थी। जमीयत ने आरोप लगाया था खास तौर से देश के मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, जहां पर मुस्लिम बस्तियां हैं, जहां पर मुस्लिम मोहल्ले हैं, बहुत क्लियर करके जमीयत ने आरोप लगाया था, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। कहा गया था कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाकर बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। जमीयत लगातार, देखिए, इसके खिलाफ आवाज उठाता रहा है। हालांकि अखिलेश यादव ने इस पर टिप्पणी की थी और अखिलेश ने कहा था कि जिस तरह से बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है वो विपक्ष की आवाज दबाने के लिए किया जा रहा है। दूसरी अहम बात यह रही कि कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर के हमेशा ये कहा गया है कि बुलडोजर एक्शन जो है वो स्वीकार्य नहीं है, वो न्याय संगत नहीं है, आप किसी एक अपराधी की सजा उसके पूरे परिवार को नहीं दे सकते हैं लगातार। और सुप्रीम कोर्ट भी वही बात कह रहा है कि आप किसी एक व्यक्ति की सजा पूरे परिवार को नहीं दे सकते हैं, आपको बुलडोजर एक्शन करना है तो उसके लिए पहले आपको तमाम जो नोटिस है वो आपको सर्व कराने होंगे। और सबसे अहम बात देखिए यहां पर यह है कि चूंकि बुलडोजर एक्शन मध्य प्रदेश में 1990 में जब इसकी शुरुआत हुई थी तब से राजनीतिक मुद्दा बहुत ज्यादा गरमाया था, उसके बाद से ये एकदम अचानक से उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिला, उसके बाद उत्तर प्रदेश में धड़ाधड़ बुलडोजर चलाया गया और उसके बाद इस पर राजनीति गरमाई। अंदर जब फटकार भी लगी थी और आज भी नजर इसी पर टिकी हुई थी कि क्या सरकार के साथ यहाँ पर फैसला होता है, पक्ष में फैसला होता है या फिर फटकार लगती है, इस पर नजर टिकी थी विपक्ष की भी, क्योंकि अगर फटकार लगती तो विपक्ष को एक मुद्दा मिल जाता और उपचुनाव भी है, इस दौरान इसे बनाने की भी कोशिश होती। ताबिश देखिए, इसमें और अहम चीज ये भी है कि जब पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बुलडोजर एक्शन नहीं होगा, उसके बाद आसाम की तरफ से लगभग 47 जो वहां के रिहायशी लोग हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन भी लगाई थी, जिसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन रोकने के बावजूद भी उनके घरों पर कार्रवाइयां की गई हैं। ऐसे में भी सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की थी कि बहुत सारा, और अभी ऑर्डर आना बाकी है। देखिए, जब तक पूरा ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक सारी चीजें क्लियर नहीं हो जाती, उसका थोड़ा इंतजार करना होगा। ये शुरुआती जो चीजें सामने निकल, जब तक देखिए पूरा ऑर्डर ना पढ़ लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने और अहम बातें इस ऑर्डर में क्या क्या कही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि अफसर जो है वो जज ना बने और अफसर ये तय नहीं करेंगे कि दोषी कौन है और दोषी कौन नहीं है। मुआवजे को लेकर भी बात हुई है कि अगर किसी का घर तोड़ा जाता है तो मुआवजा भी दिया जाना चाहिए, जरा पूरी तरह से समझाइएगा। देखिए, ने कहा है कि जो घर तोड़े गए हैं सबसे पहली बात उनको जज का काम है, जो लॉ का काम है वो जज को करना चाहिए और जो एग्जीक्यूशन का पावर है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का पावर है वो ऑफिसर को करना चाहिए। देखिए, इसमें थोड़ा सा कंफ्लिक्ट हो सकता है क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट भी जो है एग्जीक्यूशन का काम करने लगते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी जुड़ने के लिए, ताबिश आपका भी, रजा आपका भी। तो फिलहाल आपने देखा बुलडोजर एक्शन पर किस तरह से लगातार दिशा निर्देश जारी किए गए।